हिंदी मेरा मान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं भी, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। शुभ अपराह्न आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य जी, समाज शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं निहार के यादव कक्षा 12 के छात्र आज आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ताकि हिंदी भाषा के महत्व और इसके प्रचार विस्तार के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। इस दिन को मनाने के पीछे तो मुख्य कारण यह है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया था। ये दिन हमारी प्यारी मातृभाषा हिंदी के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त करने का है। हिंदी हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखती है और यह हमारी सांस्कृतिक पहचान भी है। हिंदी का महत्व केवल एक भाषा के रूप में ही नहीं, यह हमारे देश की विविधता और एकता का प्रमाण है। हिंदी साहित्य के महान कवियों और लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस भाषा को अमर कर दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हिंदी भाषा की सुंदरता को अपने शब्दों में कुछ इस तरह व्यक्त किया था, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है बल्कि यह हमारी सोच और भावनाओं को प्रकट करने का सबसे सुंदर तरीका है। उनके शब्द हमें यह याद दिलाते हैं कि हिंदी न केवल एक भाषा है बल्कि एक भावनात्मक कड़ी है जो हमें जोड़ती है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी हिंदी के महत्व को इस तरह व्यक्त किया, हिंदी हमारी पहचान है, इसका सम्मान हमें अपनी संस्कृति के सम्मान के समान है। उनकी कविताओं में हिंदी की मिठास और प्रभावशीलता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। प्रसिद्ध कवि प्रेमचंद्र जी ने हिंदी के माध्यम से समाज में बदलाव की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा था, भाषा में शक्ति है, भाषा समाज की सोच को बदल सकती है और उसे आगे बढ़ा सकती है। हिंदी न केवल साहित्य बल्कि प्रशासन, शिक्षा और कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए इस हिंदी दिवस पर हम संकल्प लें हम अपनी मातृभाषा प्यारी भाषा हिंदी को आगे बढ़ाएंगे और इसके प्रति अपनी निष्ठा को सच्ची मान्यता देंगे।